नमस्कार प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश पटवारी के एग्ज़ाम से संबंधित आज एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके सामने करूंगा। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश पटवारी के एग्ज़ाम में एक जो सब्जेक्ट है मैथ्स, 20 क्वेश्चन जहां से आते हैं, 20 नंबर का ये टॉपिक है। इस पेपर को या इस टॉपिक को कवर कराने का मैंने बोला था और मैंने क्लासेस शुरू की। हमने 10 से 11 क्लासेस इसमें की और उसका जो रिस्पॉन्स है मुझे बहुत अच्छा मिला। इसके लिए सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैंने एक दिन क्या किया, यूट्यूब पर एक क्वेश्चन डाला। क्वेश्चन में मैंने पूछा कि सभी स्टूडेंट किस सब्जेक्ट को विशेष तौर से पढ़ना चाहते हैं, जिसमें 4 या 5 ऑप्शन थे। एक मैथ्स भी था, हिंदी भी था, पंचायती राज था और GS था। लगभग 2 बार मैंने इस बात को स्टूडेंट्स से पूछा, विद्यार्थियों से पूछा, तो वहां पर जो वोटिंग हुई उस वोटिंग में सबसे ज्यादा लगभग 75% के आसपास या 70% के आसपास विद्यार्थी एक सब्जेक्ट को विशेष तौर से पढ़ना चाहते थे, वे था पंचायती राज। और ये बात मुझे बहुत ज्यादा चौंकाने वाली लगी कि यार इतना छोटा सब्जेक्ट है, इतना सरल टॉपिक है, लेकिन क्या कारण है कि विद्यार्थी इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, इसमें समस्या क्या है। आप सभी जानते हैं मैं तथ्यात्मक बात करना ज्यादा पसंद करता हूं। इसके संदर्भ में मैंने जो 2017 में जिन विद्यार्थियों ने पेपर दिया था, उनमें से काफी विद्यार्थियों से चर्चा की, उनसे बात की, और बात करने पर मुझे पता लगा कि सभी विद्यार्थियों के जो 3 टॉपिक थे, कंप्यूटर, मैथ्स और हिंदी, इनमें तो औसतन नंबर आ रहे थे, 17, 18, 15, 16, ये कोई भी ला रहा था। समस्या ये हुई कि वे GS और पंचायती राज में जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था ये वाला जो टॉपिक है, इसमें धराशायी हो गई, इसमें नंबर नहीं ला पाए। कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि सर अगर हम थोड़ी सी भी तैयारी कर लेते, इन दोनों टॉपिक को अच्छे से बेहतर कर लेते, तो हम सिलेक्शन ले लिए होते और आज हमें 5 वर्ष तक गवर्नमेंट जॉब में काम करने का मौका मिल चुका होता। तो मैंने और उसके ऊपर रिसर्च की, तब मुझे समझ में आया कि ये सब्जेक्ट जितना बाहर से देखने में सरल लगता है उतना सरल है नहीं, जबकि अगर वास्तव में देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें आपको MPGK से संबंधित मिलेगी। इसके बावजूद इस सब्जेक्ट की हम कह सकते हैं जो जड़ है उस जड़ को नहीं पकड़ पाते। आज भी स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा भयभीत है, उन्हें लगता है कि पंचायती राज में नंबर लाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि जहाँ पर औसतन नंबर ला सकते हैं वहाँ पर ना पढ़ाकर, जिम्मेदारी ये है कि उस सब्जेक्ट को पहले करवाया जाए जहां से विद्यार्थियों के ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां से नंबर लाना बड़ा ही मुश्किल है। और मैं आप समझ सकता हूं आपकी जो हेजिटेशन है कि आप इस सब्जेक्ट को लेकर जो मन में भय बिठा बैठे हैं, ये तो कंपलसरी है, 100% श्योर है कि अगर आप वीडियो देखेंगे, जो भी मैं वीडियोज बनाऊंगा इससे संबंधित, वह आप सभी के मन के डाउट को समाप्त कर देगा। तो बहुत जल्द मैं पंचायती राज से संबंधित क्लासेस शुरू कर रहा हूं। मैंने इसके लिए भी एक क्वेश्चन डाला था जिसमें विद्यार्थियों ने कहा कि सर 2 अगस्त से ही क्लासेस शुरू कर दीजिए, बिल्कुल निशुल्क यूट्यूब पर क्लासेस रहेगी, पूरे पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम इसके सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा मैं बताता जाता हूँ, अगर आप वैसा पढ़ लेते हैं तो सिलेक्शन के लिए जितने नंबर चाहिए उतना आप केवल यहाँ पर पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। साथ में जो भी आपके जो भी डाउट्स हो सकते हैं मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम को लेकर, उन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अब मुझे इसमें एक समस्या और लगी, क्योंकि मध्य प्रदेश पटवारी के हिसाब से 2 सब्जेक्ट या 2 टॉपिक ऐसे हैं जहां पर अगर नंबर सही ले आए, अगर औसतन नंबर भी लाते हैं तो हम सिलेक्शन ले लेते हैं। एक तो पंचायती राज हो गया यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज, दूसरा टॉपिक हो गया GS का, यहां पर भी विद्यार्थी गर्त में चले गए। GS वाले में किसी के तो 4 नंबर ही आ रहे, बाकी अदर जो 3 सब्जेक्ट थे वहां पर बेहतर प्रदर्शन किया, यानी 2-2, 3-3 नंबर से केवल इन सब्जेक्ट में रुके। अगर मैं सही से एनालिसिस करूं तो MPGK का कुछ हिस्सा मुझे दिखता है कि यार ये पंचायती राज में है या पंचायती राज का MPGK में है, यानी दोनों एक साथ अगर पढ़ें तो बड़ा मजा आएगा। और अगर मैं 40 नंबर का ये जो टॉपिक है GS और पंचायती राज, इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करूं और यहां से कुछ मेन चीजें निकालूं, तो मुझे एक बात यह समझ में आती है कि अगर हम पंचायती राज को पढ़ते हैं और पंचायती राज के साथ केवल MPGK और ज्योग्राफी को पढ़ लेते हैं
तो 40 नंबर में से 32 से 35 नंबर केवल हम इन टॉपिक को पढ़ने के बाद ला सकते हैं। तो मैं कोशिश ये करूँगा, जिस तरीके से मैंने एक रणनीति बनाई है पढ़ाने को लेकर, मैंने ये सोचा है कि क्यों ना हम पंचायती राज को शुरू करें, पूरा टॉपिक हम जीरो से लेकर पूरे जितने भी टॉपिक हैं, सारे टॉपिक जिसमें हम इसके पूरे सिलेबस को ही डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, उनको पढ़ेंगे कि किस तरीके से पंचायत के कार्य होते हैं, किस तरीके से मध्य प्रदेश में कृषि, यहाँ की सिंचाई एवं परियोजनाएं, यहाँ के उद्योग, उन चीज़ों को देखेंगे, यहाँ की योजनाओं के बारे में जानेंगे। दूसरी बात ये कि एमपी जीके को हम कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक मुझे लगते हैं हम वो उनको कंप्लीट करेंगे और इंडियन ज्योग्राफी व वर्ल्ड ज्योग्राफी को करेंगे। केवल इतना भी पढ़ लेते हैं, जीएस उसके बाद नहीं भी पढ़ते हैं और करंट अफेयर्स पे थोड़ा भी ध्यान दे देते हैं, तो इस 40 नंबर में से सिलेक्शन वाले नंबर आपके आ जाएंगे। तो आपको कमेंट करके बताना है कि क्या आप पंचायती राज व्यवस्था और जीएस की क्लास पढ़ना चाहते हैं या नहीं। चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और क्लासेस जैसे ही शुरू होती है रेगुलर रहिएगा, ताकि नोटिफिकेशन के टाइम पर आपको समस्या ना आए। अगर और भी आपके डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।